पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाव। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा सकता है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई की सीएफएसएल लैब में जो वॉइस सैंपल लिया गया था उसके साथ उसकी आवाज का मिलान किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कई फोन कॉल इंटरसेप्ट किए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा में ये कॉल इंटरसेप्ट हुआ, कई और गैंगस्टर की कॉल भी इंटरसेप्ट की गई और इसी सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है ताकि उसे मैच किया जा सके। इस गैंगस्टर का वॉइस सैंपल लिया जा रहा है, इंटरसेप्ट कॉल का असल आवाज से मिलान किया जाएगा। ये पूरा मामला सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गरमाया था, जिसके बाद से पीछे इनके पकड़ने की लगी हुई थी दिल्ली पुलिस। और अब जाकर के ये खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, याद कीजिएगा कि कुछ दिनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही दावा किया था और उस समय सवाल उठाए गए थे कि क्या गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को लाया जाएगा, तो उन्होंने कहा था हाँ लाया जा रहा है। बाद में काफी समय तक जब नहीं आए तो सवाल फिर उठा कि क्या हो रहा है। लेकिन एनडीटीवी का जो कॉन्क्लेव था उसमें सीएम ने ये कहा था कि ये थोड़ा सीक्रेटिव है, तो एफबीआई से बात हो रही है, इस पर जैसे ही फाइनल मुहर लगती है हम आपको इस बारे में भी अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर उसमें ये सवाल उठा शारे कि ये बात अभी तक केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने क्यों नहीं कही, जबकि लाने का जिम्मा उनके ऊपर होता है। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस लेके आ रही है, तो दिल्ली पुलिस की कमान भी केंद्र के पास है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इस पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, कितना अहम है इस पूरे सैंपल को मैच कराना और जिससे ये केस और पुख्ता हो जाए? देखिए, केवल सिद्धू मूसेवाला ही नहीं बल्कि जो भी बड़े गैंगस्टर्स पंजाब के हुए हो या कोई दूसरे हो, भले ही इनका रोल सिद्धू मूसेवाला मर्डर में हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो लगातार बड़े गैंगस्टरों की कॉल इंटरसेप्ट करती रहती है, क्योंकि जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो आपस में बात करते हैं। इसके अलावा वो तमाम जो बड़े कारोबारी हैं उनको कॉल करते हैं, धमकाते हैं, तो इस तरह की तमाम जो कॉल्स हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट की हैं। अब चूंकि कई जो मामले हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं इनके खिलाफ, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो या हरियाणा हो, अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ लगातार कई सारे केसेस चल रहे हैं, तो जो कॉल इंटरसेप्ट हुई हैं इनमें जो आवाज है उस आवाज को इन गैंगस्टरों की आवाज से मैच करवाना एक बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि तभी आप प्रूव कर पाएंगे कि ये आवाज लॉरेंस बिश्नोई की है या संपत नेहरा की है, किसी और की है। तो इसीलिए दिल्ली पुलिस चाहती है कि इन गैंगस्टरों का जो वॉइस सैंपल है वो लिया जाए और उसको जो कॉल इंटरसेप्ट हुई है उससे उसका मिलान करवाया जाए। तो अभी दोनों ही गैंगस्टर पंजाब की जेल में हैं, चूंकि एनआईए ने उनको कस्टडी में लिया था, उसके बाद पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, तो दोनों ही गैंगस्टर को पंजाब से दिल्ली लाया जाएगा और यहाँ पर जो सीबीआई की सीएफएसएल लैब है यहाँ पर इनके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे और वॉइस सैंपल लेने के बाद जो कॉल इंटरसेप्ट हुई है उनसे इनका मिलान किया जाएगा। अगर ये मिलान हो जाएगा तो फिर जो अलग अलग केस है उनको कोर्ट में मजबूत करने में दिल्ली पुलिस को काफी हेल्प होगी। इसीलिए पुलिस चाहती है कि इनका जो वॉइस सैंपल है वो लिया जाए और जो इंटरसेप्ट कॉलिंग के जरिए जो वॉइस सैंपल मिले हैं उन सबका मिलान किया जाए। सिद्धू मूसेवाला के अलावा बहुत सारे केस चल रहे हैं, उनमें भी इनके कॉल इंटरसेप्ट हुए हैं, तो उसको देखते हुए ये वॉइस सैंपल लेना काफी अहम होगा। जी शुक्रिया मुकेश।